अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सी एस एस प्लानट ऑफिशियल। आज का हमारा टॉपिक है इन्फिनिटिव। अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। हम पहले देख लेते हैं कि हमारा क्योंकि टॉपिक है इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव होता क्या है, इसका क्या ताल्लुक है हमारे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से, हमारे सेंटेंस से। तो उसको समझने से पहले हम देख लेते हैं कि फाइव टाइप्स ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब की जो फाइव टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। हमारे पास ये इसकी पांच टाइप हैं, यानी कोई भी वर्ब है तो उसकी पांच टाइप्स होती हैं। ड्रिंक है फॉर एग्जांपल एक वर्ब, तो इसकी ड्रिंक ये है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड है ड्रैंक, थर्ड ड्रंक, फोर्थ ड्रिंकिंग एंड फिफ्थ इज ड्रिंक्स। ये होगी इसकी पांच टाइप्स वर्ब की। ये सारे वर्ब हैं ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स, इसी तरह प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। ये सब क्या है, ये वर्ब की टाइप्स हैं। लेकिन हमारा टॉपिक है इन्फिनिटिव, तो हम ये वर्ब को और इन्फिनिटिव को क्यों रिलेट कर रहे हैं, इनका आपस में क्या ताल्लुक है। तो ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ड्रिंक, ईट, प्ले, इसको दरअसल कहते हैं इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव इसको क्यों कहते हैं, क्या वजह है, इसको हम जान लेते हैं कि जो इन्फिनिटिव होता है वो है द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। यानी कि वर्ब की जितनी भी फॉर्म्स हैं तो उनमें से वो जो बेस फॉर्म होती है, वो जो फर्स्ट फॉर्म होती है, उसी को बेस फॉर्म कहा जाता है, और उसी का उसका सिनोनिम कह लें, उसका दूसरा नाम कह लें, वो होता है इन्फिनिटिव। नेक्स्ट इसके कोई हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि द वर्ब विदाउट एस, ई एस डी, ई डी इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। यानी कि अभी हमने पहले जो उसकी अभी आपने उसकी टाइप्स देखी हैं, तो उसकी फर्दर जो टाइप्स थी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उसमें क्या था, उसमें डी, ई डी, एस, ये, एस का उन्होंने इजाफा किया हुआ था। तो अब वो इन्फिनिटिव को बता रहे हैं कि वो वर्ब कि जिसमें ये सारे वर्ड्स ना हों वो क्या कहलाता है, वो इन्फिनिटिव कहलाता है। बस ये समझ लीजिए कि नॉन इन्फिनिटिव वर्ब, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच डज नॉट चेंज इवन इफ टेंस इज चेंज्ड इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। यानी कोई भी टेंस है, यानी कि कोई सेंटेंस हमारे पास होता है तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई टेंस तो होगा, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर। तो कोई भी अगर टेंस हो, लेकिन जो ये वर्ब है, वर्ब की फॉर्म है, बेस फॉर्म आप कह लें, इसको इन्फिनिटिव कह लें, ये जो नॉन फिनिटिव वर्ब है, फिनाइट वर्ब है, ये क्या होता है, ये चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल शी ड्रिंक्स वाटर, अब यहाँ पर ये कौन सा टेंस इसमें यूज हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस, और इसमें देखें वर्ब, वर्ब के बाद उन्होंने क्या लगाया, वर्ब के साथ उन्होंने ड्रिंक्स लगाया है, यानी कि वो उसकी फॉर्म कोई और फॉर्म बन गई है, यानी इसमें चेंजिंग आ गई है। जो इन्फिनिटिव की डेफिनेशन है उस पर ये वर्ब पूरा नहीं उतरता, इस वजह से हम इसको कहेंगे ये इन्फिनिटिव नहीं है। तो ये जो लास्ट वाली हमारे पास ये इसकी एग्जाम्पल है या इसकी डेफिनेशन है, वो है कि नॉन फिनिट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच डज नॉट चेंज इवन इफ टेंस इज चेंज्ड इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। ठीक है, यानी कि उसमें टेंस चेंज नहीं, चेंज होगा तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। इसके एग्जाम्पल्स में हम ले सकते हैं जैसे ईट, ड्रिंक, प्ले, प्रे, वॉच, सी, स्विम एंड राइट। ये जितने भी हमारे पास वर्ब्स हैं, ये हम इनको अगर एज अ इन्फिनिटिव अगर हम कहीं पर लेंगे, किसी टेंस में लेंगे, सेंटेंस में लेंगे, तो वो चेंज नहीं होंगे। आगे हम इनके टाइप्स देख लेते हैं इन्फिनिटिव की, कि कितनी टाइप्स हैं। इसकी तीन टाइप्स हैं, एक है बेयर इन्फिनिटिव, एक है फुल इन्फिनिटिव और लास्ट वन इज स्प्लिट इन्फिनिटिव। पहली टाइप हम देख लेते हैं बेयर इन्फिनिटिव। बेयर को वर्ड आप देख लें, इसका मतलब होता है बढ़ना, यानी कि जो बढ़ना का मतलब होता है विदाउट क्लोथ्स, हम यू मीनिंग ले सकते हैं। तो जो अब यहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव, इसका क्या मतलब है, इसको हम देख लेते हैं। द वर्ड टू is frequently used with an infinitive as a whole। जब हम कहीं पर example या हम देखते हैं कि ये word infinitive है या नहीं है, तो हम अमूमन देख रहे होते हैं इसके इससे पहले to लगा है या नहीं लगा। तो हमारी अमूमन पहचान यही होती है कि जो verb जिस verb के साथ पहले to लगा है तो वो infinitive है। तो इसमें वो कह रहे हैं कि जो frequently word है ना to, वो इसमें use हो रहा होता है infinitive में। But when an infinitive is used without to is called bare infinitive। लेकिन वो infinitive कि जिसमें to का word use नहीं होता, उसको हम कहते हैं bare infinitive।
तो मतलब कि इन्फिनिटिव में जरूरी नहीं है कि वो टू भी लगा हो, टू के बगैर भी इन्फिनिटिव हो सकता है, और उस टाइप को हम क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनिटिव। आगे हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं, और कुछ रूल्स भी हैं इसके कि इन इंग्लिश देयर आर सर्टेन वर्ड्स लाइक लेट, हैव, मेक, हियर एंड वॉच, आफ्टर विच वी यूज बेयर इन्फिनिटिव। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी प्ले, मतलब लेट के बाद आप देखें प्ले का वर्ड आया है, ये वर्ब है जो, लेकिन इससे पहले देख लें ये बियर इन्फिनिटिव है कि इससे पहले टू का वर्ड नहीं लगा हुआ, यानी कि ऊपर जितने भी हमारे पास वर्ड्स हैं ये थोड़ी सी करेक्ट कर लीजिएगा। हेयर, ये बाल नहीं, मतलब हेयर जो होता है सुनना के माने में है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि लेट है, लेट भी अगर किसी जुमले में होगा तो उसमें जब हम इन्फिनिटिव को यूज़ करेंगे तो इन्फिनिटिव की कौन सी टाइप यूज़ करेंगे, बियर इन्फिनिटिव, जैसे लेट मी प्ले। उसके बाद है आई हैव माई ब्रदर क्लीन द रूम, देखिए आई हैव है इसमें, और देखिए आगे वर्ब यूज हुआ है तो उसमें उन्होंने टू नहीं लगाया। बिल्कुल इसी तरह दे मेड मी लाफ, तो मेड भी है और लाफ भी है, बट इसके साथ पहले टू नहीं लगा। इसी तरह आई हर्ड हर क्राई, इसमें भी हर्ड का वर्ड यूज है और इसके बाद वर्ब लग रहा है, लेकिन वो प्योर इन्फिनिटिव है इसलिए उससे पहले टू नहीं लगा। लास्ट वन इज आई वॉच्ड हिम प्रे, इसमें वॉच्ड आया है और प्रे वर्ब आया है, लेकिन इससे पहले टू नहीं लगाया बिकॉज ऑफ द रूल ऑफ बेयर इन्फिनिटिव कि इन इंग्लिश देयर आर सर्टेन वर्ड्स लाइक ऑल ऑफ दीज आफ्टर विच वी यूज बेयर इन्फिनिटिव, यानी इन लफ्ज़ों के बाद हम कौन सा इन्फिनिटिव यूज करते हैं, हम बेयर इन्फिनिटिव ही यूज करते हैं। हम टू वाला जो उसके आगे हम पढ़ेंगे कि जो पेयर जो इन्फिनिटिव की वो टाइप्स कि जिसमें टू लगता है वो हम इन वर्ड्स के बाद वो टाइप नहीं लगाते, बल्कि सिर्फ हम बेयर इन्फिनिटिव की टाइप हम लगाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द नेक्स्ट रूल है द बेयर इन्फिनिटिव कैन यूज्ड आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरीज, ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं इनके बाद भी हम कौन सा इन्फिनिटिव यूज करते हैं, बेयर इन्फिनिटिव। अभी कौन से वर्ब्स हैं, विल, वुड, शुड, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर एक्सेट्रा, ये जो हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं इनके बाद भी हम इन्फिनिटिव अगर हमने लगाना होगा तो उसकी कौन सी टाइप लगाएंगे, बेयर इन्फिनिटिव। हम इनकी एग्जाम्पल देख लेते हैं, दे विल विन द मैच, ओके इसमें देखें विल यूज हुआ है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और उसके बाद अब देखें इन्फिनिटिव आया है लेकिन इसके साथ टू नहीं है, तो फिर क्या मतलब हुआ इसका कि इन्फिनिटिव की कौन सी टाइप यूज हुई है, बेयर इन्फिनिटिव। बिल्कुल इसी तरह आई कैन डू इट, इसमें भी वही रूल अप्लाई हो रहा है, और द लास्ट वन इज वी कैन कंप्लीट देम, इसमें भी वही रूल अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट हम इसका लास्ट रूल देख लेते हैं, द बेयर इन्फिनिटिव कैन बी यूज आफ्टर दीज वर्ड्स, कि ये जो हमारे पास वर्ड्स नीचे दिए हुए हैं तो इनके बाद भी हम कौन सा इन्फिनिटिव यूज करेंगे, बेयर इन्फिनिटिव, यानी जिसके साथ टू नहीं लगता। बार बार रिपीट किया जा रहा है ताकि आपके जहन में ये रासिख हो जाए और आप इस चीज़ को भूलें ना। कौन से वर्ड्स हैं, वो रादर, बेटर एंड हैड बेटर, ये वर्ड्स हैं जिनके बाद हम बेयर इन्फिनिटिव यूज करेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास, यू हैड बेटर लीव नाउ, देखिए हैड बेटर आया है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं, और इन्फिनिटिव की कौन सी टाइप आई है, बेयर इन्फिनिटिव। बिल्कुल इसी तरह यू हैड रादर लीव अर्लियर, वही रूल अप्लाई हो रहा है, और लास्ट वन है वी शुड वी वुड रादर वेट, इसमें भी वही रूल अप्लाई हो रहा है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इन्फिनिटिव की सेकेंड टाइप है, उसको कहते हैं फुल इन्फिनिटिव। इसकी क्या डेफिनेशन है, वेन द इन्फिनिटिव इज यूज विद द वर्ड टू इज कॉल्ड फुल इन्फिनिटिव। देखिए जो पहली हमारे पास टाइप थी वो थी बेयर इन्फिनिटिव, लेकिन ये है फुल इन्फिनिटिव। इनमें क्या फ़र्क है कि बेयर इन्फिनिटिव में टू नहीं लगता जबकि फुल इन्फिनिटिव में टू लगता है। ये थोड़ा डिफरेंस याद रखेंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी। हम जैसे एक फॉर्मूले के तौर पर भी देख सकते हैं कि जैसे टू प्लस इन्फिनिटिव इज इक्वल टू फुल इन्फिनिटिव, जैसे टू प्लस रीड इज इक्वल टू टू रीड, टू प्लस रन इज इक्वल टू टू रन, टू प्लस जम्प इज इक्वल टू टू जम्प, और इसी तरह आदि एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अब फुल इन्फिनिटिव है वो किस किस तरह फंक्शन करता है। वो एज अ नाउन भी यूज होता है, और उसमें नाउन में भी वो एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के तौर पर, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर, इसके अलावा एडजेक्टिव के तौर पर, एडवर्ब के तौर पर, कि एक सेंटेंस में जो इन्फिनिटिव है वो इस तरह के रोल भी प्ले कर रहा होता है।
फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट के तौर पर जब आएगा तो मतलब टू लर्न इज इम्पॉर्टेंट, कि इसमें जो टू लर्न है वो एज अ सब्जेक्ट आया है, ये क्या कौन सा रोल प्ले कर रहा है, ये एज अ सब्जेक्ट हम इसको लेंगे। और ये क्या है टू लर्न, ये इन्फिनिटिव की सेकेंड टाइप है, फुल इन्फिनिटिव। नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल है दे ऑल वॉन्ट टू गो, देखिए टू गो इसमें आया है तो मतलब कि ये इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव की कौन सी टाइप है, फुल इन्फिनिटिव, और वो क्या रोल प्ले कर रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एग्जाम्पल है द पर्पज इज टू विन, कि पर्पज क्या है हमारा, जीतना, टू विन क्या है, फुल इन्फिनिटिव। नेक्स्ट है हमारे पास एडजेक्टिव, दिस इज द गेम टू वॉच। आप देखें एडजेक्टिव को प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया गया कि एडजेक्टिव होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कि जो नाउन को मॉडिफाई कर रहा होता है, कि कोई भी नाउन है उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। तो ये एग्जांपल देखें, दिस इज द गेम, गेम क्या है, एक नाउन है, उसके बारे में क्या बता रहा है, बताया जा रहा है टू वॉच, देखना उसको, देखना। तो ये इसको मॉडिफाई किया जा रहा है, तो अब नाउन को जो मॉडिफाई करेगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव। और ये किसके जरिए किया जा रहा है, टू वॉच, यानी इन्फिनिटिव के थ्रू किया जा रहा है। टू वॉच फंक्शंस एज एडजेक्टिव मॉडिफाइंग द नाउन गेम, यानी कि जो टू वॉच है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, गेम को, जो कि नाउन है। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब, ही इज रेडी टू गो, यानी कि इसमें जो हमारा टू गो है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, एज एन एडवर्ब, टू गो फंक्शन कैसे कर रहा है, एडवर्ब, और वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव रेडी को। नेक्स्ट है हमारे पास स्प्लिट इन्फिनिटिव, यानी कि इन्फिनिटिव की लास्ट टाइप है वो है स्प्लिट इन्फिनिटिव, कि स्प्लिट इन्फिनिटिव अकर्स व्हेन देयर इज एन एडवर्ब बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ एन इन्फिनिटिव, एंड इन्फिनिटिव कंसिस्ट्स ऑफ द वर्ड टू एंड द सिंपल फॉर्म ऑफ अ वर्ब, फॉर एग्जाम्पल टू गो एंड टू रीड। यानी कि इसका एक बेसिक थीम समझ लीजिए कि जो स्प्लिट इन्फिनिटिव होता है वो फुल इन्फिनिटिव के बीच में अगर आप कोई एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज आप लगा दें तो वो बन जाता है स्प्लिट इन्फिनिटिव। आप फुल इन्फिनिटिव क्या होता है कि मतलब कोई भी इन्फिनिटिव वर्ब है उससे पहले आप टू लगा दें तो वो बन जाएगा फुल इन्फिनिटिव, और फिर अब इस टू और उस वर्ब के दरमियान अगर आप कोई एडवर्ब लगा दें या एडवर्बियल फ्रेज लगा दें तो वो क्या बन जाएगा, स्प्लिट इन्फिनिटिव। इसको देखते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू, शी सीम्स टू रियली लाइक इट, अगर आप इसमें देखें टू और लाइक ये क्या है, ये फुल इन्फिनिटिव था, और इसमें हमने बीच में क्या यूज़ किया, रियली, तो इस रियली ने आकर इसको इसकी टाइप को चेंज कर दिया और अभी क्या बन गया, स्प्लिट इन्फिनिटिव। बिल्कुल इसी तरह द टीचर टोल्ड अस टू क्विकली रीड द बुक, अब इसमें टू रीड क्या था, फुल इन्फिनिटिव, और इसमें हमने क्विकली लगा दिया, हमने एक एडवर्ब लगा दिया तो उसको क्या हमने कर दिया, स्प्लिट इन्फिनिटिव। हमारा लेक्चर यहाँ पर फिनिश होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।